हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पांच स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ। जो ये स्टॉक अगर कल वो मैं जो लेवल बताऊंगा वो लेवल क्रॉस करते आने वाले वीक में, तो उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो अभी मैं आपको चार्ट पे पांच स्टॉक बताऊंगा, एनालिसिस करके बताऊंगा कि कहाँ पे बाय करना है, क्यों बाय करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो उससे पहले गाइस, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है, अगर कल का वीडियो आपने देखा नहीं है तो कल का वीडियो देख सकते हो। अपने आपको पता है, ये हर सैटरडे को डाकोस का वीडियो देते हैं। डाकोस में 3 से 12 महीने के लिए पोर्टफोलियो में कोई अच्छा स्टॉक लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो जाके देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से वीकली चार्ट के ऊपर समझाया, मैंने 3 स्टॉक बताया। उसके अलावा जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको रोज मतलब हर शाम को ब्रेकआउट स्टॉक मिलेंगे अगले दिन के लिए, तो बहुत अच्छे जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा हर संडे को स्विंग ट्रेड देते हैं, जैसे कि ये संडे था, लास्ट संडे तो स्विंग ट्रेड दिया था। आज भी आप देख सकते हो, 1 मई 2022 सुबह का 7 बज रहे हैं और संडे का टाइम है, तो आज मैं स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ अगले वीक के लिए। तो 5 स्टॉक दूंगा जो लेवल अगर क्रॉस करते हैं तो अच्छी रैली दिखा सकते हैं, लेकिन ये सारे कंडीशनल बाइंग हो गए। अगर वो लेवल क्रॉस करेंगे तभी बाय करेंगे, अपने सीएमपी पे बाय नहीं करेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते, मैं आपको 5 स्विंग ट्रेड बता दूंगा। तो पहला स्टॉक का नाम रहेगा वाडीलाल। तो वाडीलाल इंडिया आप देखोगे तो आपने इसको बाय करना है, बाय करने का रीजन मैं बताऊंगा। और सारे गाइस स्विंग ट्रेड मोमेंटम स्टॉक होते हैं, जो मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं उसके ऊपर अपने लेते हैं। तो यानी कि अगर वो लेवल क्रॉस करते हैं तो इसमें आराम से 10-20% की भी रैली दिखा सकते हैं। तो पहला स्टॉक का नाम रहेगा वाडीलाल। वाडीलाल को अपने को बाय करना है, बाय करने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लियर कट आपको चार्ट पे समझ में आ रहा होगा गाइस, जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि मैं जो भी चार्ट एनालिसिस करता हूँ वो सेम सिंपल होती है और मतलब फिक्स होती है कि ये दो तीन जो रीजन है मैं उसको फोकस में रखता हूँ, उसके बाद ही अगर कोई चार्ट मेरे आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, पहला रीजन कौन सा है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन थोड़ा मारा, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पे आया। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन मार के ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन फाइनली ये जो करंट कैंडल है उसने क्या किया, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। यानी कोई भी स्टॉक होता है वो ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है, लेकिन कहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया वो लेवल पे आता है तो वो उसका क्या हो जाता है, सप्लाई बिकम डिमांड बन जाते हैं। यानी कि उसके पहले सप्लाई जोन हुआ करता था वो अभी क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। पहला रीजन अपने को पता चल गया कि स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। अभी दूसरा रीजन क्या है स्टॉक ने, तो देखोगे ध्यान से तो स्टॉक ऊपर से नीचे आया लेकिन यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन बनाना चालू किया, फिर से ऊपर गया थोड़ा, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से रिजेक्शन मारा और यहाँ पे आया। यानी स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन बना चुका है और फाइनली ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आया, लेकिन कहाँ पे आया, ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पे एग्जिट सपोर्ट लिया और वहां पे ट्रेड कर रहा है। देखोगे ध्यान से, वहां पे एग्जिट सपोर्ट लिया, यानी कि स्टॉक को क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा और मेन रीजन, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, वहां से स्टॉक नीचे जाने के बहुत कम चांस होते हैं। तो मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, एक केडीएक्स है और एक विलियम्स आर है। तो ये जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो उनको बता देता हूँ कि इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आया हुआ है, तो स्टॉक अपने मान सकते कि स्टॉक ने बेस भी बना लिया, उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल, मतलब एक ही एरिया पे तीनों रीजन आ रहे हैं। उसका पहले सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन भी हो रहा है, ट्रेंड लाइन का भी एरिया में सपोर्ट मिल रहा है और विलियम्स आर की वैल्यू एग्जैक्ट -80 वहीं पे आई हुई है। देखोगे तो ये अपने मान सकते कि स्टॉक ने लास्ट स्विंग बना लिया और स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आपको कब ये स्टॉक को बाय करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर से देखोगे ध्यान से तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद स्टॉक वही उसके अंदर ही ट्रेंड मतलब ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसको आप बोल सकते हो मदर कैंडल, मदर कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी मदर कैंडल जैसा बनता है तो उसका हाई और लो बहुत मायने रखता है। अगर स्टॉक यहाँ से ये हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है, अगर ये लो ब्रेक करके नीचे आता है तो नीचे आता है। तो अभी टाइट रेंज में स्टॉक चल रहा है, लेकिन अपने को कैसे पता कि ऊपर ही जाएगा, उसके रीजन आपको पता है कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, बहुत हाई चांस है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे और ऊपर चला जाए।
तो आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना है। कब बाय करना है? स्टॉक का नाम है देखोगे तो वाडीलाल सीएमपी अभी उसका कितना है 1584.6 है, तो आपको कब बाय करना है 1609 के ऊपर, यानी कि जो रेड कैंडल का हाई बनाया था रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही आपको बाय करना है, अदरवाइज स्टॉक को बाय नहीं करना। अगर स्टॉक अच्छा होगा तो क्या करेगा 1609 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक वीक होगा तो क्या करेगा 1584.6 है उसका सीएमपी क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का, तो उसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा और अपना जो स्टॉप लॉस लेवल है 1553 का, यानी कि जो रेड कैंडल का लो है वो अपना स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक पहले वो लेवल ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। वैलिड सेटअप के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को पहले बाइंग लेवल का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी अपना वैलिड सेटअप होगा, तभी अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर स्टॉप लॉस लेवल पहले आ जाता है तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है और अपने को फिर वो स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। तो टारगेट आप लगा सकते हो 1700-1740 का टारगेट आराम से आ सकता है, स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के। अगर 1609 का लेवल ब्रेक करता है तो 1700-1740 का स्टॉप लॉस, सॉरी 1700-1740 का टारगेट आ सकता है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया वाडीलाल, जिसमें आपको मैंने रीजन बता लिया कि स्टॉक को बाय क्यों करना है और कहाँ पे बाय करना है। अभी मैं आपको दूसरा स्विंग ट्रेड बताऊंगा जिसका नाम है जैश इंजीनियरिंग। जैश इंजीनियरिंग को आपको बाय करना है तो आपको गाइस चार्ट ओपन करके ही आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि चार्ट क्या कर रहा है। यहाँ से देखोगे तो एक कैंडल से बड़ी बड़ी कैंडल ही बना रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे टाइट रेंज में जा रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न बना है तो यहाँ से क्या हो सकता है, स्टॉक नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, इसलिए अपने को सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना है। उसके अलावा आप देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू देखो, एडीएक्स की वैल्यू कितनी है 25 के ऊपर है, और विलियम सर की वैल्यू देखो यहाँ पे -80 आया था, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है। तो देखो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया और उसके साथ साथ यहाँ पे भी -80 आया था स्टॉक, तो अभी भी स्टॉक यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक को सपोर्ट मिल चुका है। अगर स्टॉक ये लेवल क्रॉस करता है ये वाला, क्योंकि आप देखोगे तो फ्लैग पैटर्न में देखो स्टॉक ऊपर गया है नीचे आया फिर से ऊपर गया है नीचे आया फिर से ऊपर गया है नीचे आया फिर से ऊपर गया है नीचे आया, तो बार बार ऊपर से आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, उसका अपने को ब्रेकआउट चाहिए अपसाइड, तभी अपने को कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो एरिया है उसने बेस बना चुका है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी सीएमपी पे अपने तुरंत बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया है, अगर आप यहाँ पे ही बाय करोगे तो स्टॉक से या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर फाइनली नीचे भी ब्रेकडाउन दे सकता है, इसीलिए अपने को फॉल्स ट्रेडिंग नहीं करनी। अपने को स्टॉक भले थोड़ा महंगा मिले 1-2%, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए कि उसने बेस बनाया कि नहीं बनाया, तभी अपने बाय करेंगे और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा तो अच्छी रैली दिखा सकता है। देखो यहाँ पे भी प्रीवियस में देखोगे तो विलियम सर की वैल्यू देखो 25 के ऊपर थी, एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर थी, विलियम सर की वैल्यू देखो -80 आई थी, तो स्टॉक ने क्या किया देखो यहाँ पे एक्चुअली तो यहाँ पे उसने बेस बना लिया तो इसके हाई के ऊपर बाय बनता है, तो दूसरे दिन स्टॉक क्या किया देखो कि ध्यान से तो नीचे खुला फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के अलावा सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना। समझो इसके हाई के ऊपर, ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता तो फिर स्टॉक नीचे चला जाता, आप यहाँ पे एग्जिट करते फिर से ऊपर चला जाता, तो अपने को ये लेवल के ऊपर ही बाय करना था, तो ऐसे रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन का ऊपर का लेवल है वो ब्रेक करेगा तो स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो स्टॉक का नाम है जैश इंजीनियरिंग, सीएमपी उसका कितना है 651.7 का है, स्टॉप टारगेट कितना है अगर बाय लेवल है 670 का, अगर ए लेवल जो क्रॉस करता है 670 का तो स्टॉक ऊपर जा सकता है और जब भी कॉल एक्टिव होगा तो 643 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट रहेगा 700 और 740 का टारगेट आ सकता है, लेकिन अब कंडीशनल यही रहेगी कि 651 चल रहा है, अगर 643 पहले आ जाता है इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है स्टॉक तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, पहले उसको 670 का लेवल क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी अपना कॉल एक्टिव होगा, तब अपने बाय करेंगे और जो स्टॉप लॉस बताया वो लगा के रखेंगे, और इसमें टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन में टारगेट आ सकता है, तो टाइम पीरियड ध्यान में लेके चल सकते हो और 700 और 740 का टारगेट आ सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया जिसका नाम है जैश इंजीनियरिंग। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा
तो गाइज आपने देखा होगा कि जो मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे मतलब सिंपल तरीके से ही कर रहा हूँ और फिक्स सेटअप है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम ये एडीएक्स की वैल्यू होती है, विलियम्स आर की वैल्यू होती है, रेसिस्टम बिकम सपोर्ट होता है और ट्रायंगल जैसा होता है, बस वो दो चार पैटर्न है उसको ही मैं फोकस में रखता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि ये ब्रेकआउट के लिए सबसे अच्छा है और अपने को कंफर्मेशन भी मिल रहा है ये इंडिकेटर से कि स्टॉक ने बेस बनाया है कि नहीं बनाया। तो अभी तीसरा स्टॉक का नाम है जिसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी को आपको बाय करना है, लेकिन सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, उसके पीछे का भी अपने रीजन समझा देता हूँ आपको। देखो एनटीपीसी क्यों बाय करना है, तो ध्यान से आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन मार के नीचे आ रहा है, फाइनली ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद क्या किया स्टॉक ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एरिया इसका स्टॉक का क्या हो गया, उसका पहले जो सप्लाई जोन हुआ करता था, आप ध्यान से देखोगे एरिया क्या था, स्टॉक का सप्लाई जोन था, तो उसने ये ब्रेकआउट देख के अभी उसको डिमांड जोन बना लिया और स्टॉक वहीं पे सपोर्ट कर मतलब ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये स्टॉक का डिमांड जोन हो गया। अपने को पता चल गया पहले सप्लाई था अभी डिमांड हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन आप ध्यान से देखोगे तो छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है और अभी एग्जैक्ट सपोर्ट के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो अपने मान सकते हो कि स्टॉक को ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। अभी तीसरा और मेन रीजन आप देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर गई है, विलियम सर की वैल्यू देखो -80 आया हुआ, तो स्टॉक ने क्या किया, वहां से एग्जैक्ट वही लेवल से बेस बनाया, देखो उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा ही नहीं और बार बार वही पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे अभी क्लोज दिया है, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक का ये हैवी सपोर्ट हो सकता है, स्टॉक इसके नीचे गिरने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आपको तुरंत बाय नहीं करना क्योंकि आप बाय करोगे मे बी मंडे को आपका लक खराब होगा और स्टॉक नीचे भी गिर जाएगा, तो अपने को फॉल्स ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने को एक्यूरेट चाहिए कि सही में इसने बेस बनाया कि नहीं बनाया। वो अपने को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको देखो ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, स्टॉक रिजेक्शन मार रहा है ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन मार रहा है नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन मार रहा है नीचे आ रहा है, यानी आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड चल रहा है, लेकिन आप 15 मिनट की कैंडल में देखोगे तो वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में। तो अभी छोटे से ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो अपने को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तभी अपने इसको ब्रेकआउट स्टॉक भी बोल सकते हैं और स्विंग ट्रेड भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जो रिजेक्शन एरिया है फ्राइडे का जो हाई था, अगर वो हाई ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है स्टॉक, तभी अपने बाय करेंगे और जो ये लास्ट लो बना है वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि ये लेवल स्टॉक ब्रेक करे और ऊपर चला जाए। तो सीएमपी अभी देखोगे तो 156.2 चल रहा है, आपको बाय अबो कब करना है, 161 के ऊपर ही बाय करना है, जो लेवल है उसके ऊपर बाय जाएगा तभी बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 155 का, और टारगेट रहेगा 170 और 175 का टारगेट रहेगा। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में आराम से टारगेट अचीव कर सकता है, 1 से 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको देखोगे ध्यान से तो स्टॉक का अभी सीएमपी है 156.2 और स्टॉप लॉस है 155, तो आप सोचोगे तो अभी पहले ये ट्रिगर हो जाएगा, तो ऐसा जरूर नहीं है क्योंकि स्टॉक ने बेस बना चुका है, तो 155 का लेवल आने के बहुत कम चांस है, तो भी अगर समझो कि मंडे को नीचे स्टॉक ओपन होता है 155 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो ये अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। स्टॉक एक्टिव होने के लिए पहले 161 का लेवल आना चाहिए, 155 का नहीं, तो 155 का आएगा तो इनवैलिड सेट में 161 पहले आ जाएगा, तो 155 का अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल अपना एक्टिव काउंट होगा। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी अच्छी रैली दिखा सकता है, आपको लॉजिक के साथ मैंने समझा दिया कि कहाँ पे बाय करना है और उसके पीछे का रीजन भी समझाया कि स्टॉक को बाय क्यों करना है। अभी अपना चौथा स्टॉक है जिसका नाम है KSB। स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक का नाम क्या है, KSB। KSB को आपको बाय करना है, बाय करने का रीजन आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें भी स्टॉक सेम कर क्या कर रहा है, ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन मार के नीचे आया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि बार बार सपोर्ट ले रहा है, कोई पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट ले रहा है, यानी कि वो एरिया कौन सा हो गया, उसका जो पहले रिजेक्शन एरिया का था उसने ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रेड करना चालू किया और वहां पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि स्टॉक को डिमांड जोन बन गया है, यानी कि उसका पहले जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बन गया है, पहला रीजन। दूसरा रीजन आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एकदम नीचे से, तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिला है ट्रेंड लाइन का, तो ये भी मान सकते हो कि स्टॉक को ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल चुका है। और तीसरा और मेन रीजन आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है,
EDX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम साहब 2-3 बार नीचे आए -80, यानी कि स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है। स्टॉक यहाँ पे मल्टीपल बॉटम बना रहा है और स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर से देखो कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने छोटी सी, यानी कि ट्रायंगल ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, स्टॉक यहाँ पे बार बार ट्रेड कर रहा है, तो क्या मान सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ए लेवल अगर क्रॉस करता है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन एरिया है वो क्रॉस करता है, तो आपको बाय करना है और ये जो है वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो कौन सा एरिया है वो ध्यान से देखो क्या, तो 1370 का एरिया, अभी KSB कितना चल रहा है, 1334.9 चल रहा है, 1334.9 है, तो आपको CMP पे तुरंत बाय नहीं करना। स्टॉक अगर 1370 जाता है तभी बाय करना है और 1301 का स्टॉप लॉस लगाना है। समझो कि 1301 पहले आ जाता है, स्टॉक यहाँ से ट्रेड करना चालू करता है और नीचे आ जाता है तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो टारगेट आप देख सकते हो 1440 और 1480 का टारगेट है उसके लिए, लेकिन आपको 1 से 10 दिन वेट करना भी पड़ सकता है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है मोमेंटम के ऊपर अपने लेते हैं, तो वो लेवल कभी कभी क्या होता है, एक ही दिन में स्टॉक 20% भी ऊपर चढ़ जाता है। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया जिसका नाम है KSB। KSB को भी आप बाय कर सकते हो, आपको लॉजिक के साथ मैंने समझाया कि कहाँ पे क्यों बाय करना है। अभी पांचवा और आखिरी स्टॉक है जिसका नाम है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड स्टॉक को बाय करना है, बाय करने का रीजन भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसमें भी क्या कर रहा है स्टॉक देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और अभी मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो अपने को पता चल गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में, पहला रीजन। दूसरा रीजन देखोगे तो ऊपर से ट्राइंगल जैसा बना रहा है स्टॉक, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे आया, यानी कि स्टॉक क्या कर रहा है धीरे धीरे रिजेक्शन मार रहा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। ऐसा देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर भी जा रहा है, और उसके साथ साथ मेन रीजन आप देखोगे तो ADX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू देखो यहाँ पे -80 आया था, तो आपको मैंने बोला है जब भी उसकी वैल्यू -80 आता है तो वो क्या होता है स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। तो देखो स्टॉक यहाँ से गिरते गिरते एग्जैक्ट यहाँ पे आया और यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्यों उसने लास्ट स्विंग बनाया, क्योंकि उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल चुका था, उसके साथ साथ उसको विलियम सर की वैल्यू -80 भी आए थे और ADX की वैल्यू 25 भी थी, तो यहाँ पे 2-3 रीजन थे कि स्टॉक ऐसे रिवर्स मार के ऊपर जाए और ऊपर भी चला गया। तो आपको CMP पे तुरंत बाय करना है, CMP पे तुरंत बाय नहीं करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक नीचे भी आ सकता है, तो आपको अभी CMP पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर स्टॉक अच्छा होगा तो स्टॉक को कैसे परफॉर्मेंस देगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अभी धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और फाइनली 1 या 2 दिन ऐसा आएगा जो ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, तब आपको बाय करना है। ये जो रिजेक्शन एरिया है उसके ऊपर ही आपको स्टॉक को बाय करना, अभी CMP पे तुरंत बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस भी आ सकता है, इसलिए आपका फॉल्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अभी CMP पे तुरंत बाय करेंगे तो। इसलिए भले थोड़ा महंगा मिले लेकिन अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि उसने ट्रेंड लाइन का सही में सपोर्ट लिया है और ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड अभी CMP कितना चल रहा है, 467.85 चल रहा है, तो आपको CMP भी तुरंत ही बाय करना है, बाय अबो 477, 477 के ऊपर यानी कि जो ये लेवल है उसके ऊपर जाएगा तभी अपने बाय करेंगे, अदरवाइज अपने बाय नहीं करेंगे। और 457 का स्टॉप लॉस यानी कि जो ट्रेंड लाइन का लास्ट सपोर्ट लिया है वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। टारगेट भी इसमें अच्छा है, 510 और 550 के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 से 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो गाइज आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी स्टॉक क्या कितना चल रहा है, 467 चल रहा है, समझो मंडे को स्टॉक ये जो लेवल है 477 और 457 उसके अंदर ही समझो ट्रेड कर रहा है, तो ट्यूजडे के लिए भी वो वैलिड सेटअप होगा, यानी कि अपना तब तक वैलिड सेटअप होगा जब तक ये दोनों में से कोई लेवल ब्रीच नहीं करता। अगर 457 पहले आ जाता और नीचे आ जाता तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, अगर 457 477 पहले आ जाता तो वो अपना वैलिड सेटअप हो जाएगा, वो कॉल एक्टिव होगा। समझो कि 3 दिन तक ये स्टॉक है छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है और 477 और 457 ब्रेक नहीं करता 3 दिन तक, और उसके अंदर ही ट्रेड करता है तो वो अपना वैलिड सेटअप होगा थर्सडे के लिए भी, और उसके बाद समझो थर्सडे को फिर से नीचे का लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो अपना वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बाइंग लेवल है और स्टॉप लॉस लेवल है, तो उसके अंदर ही ट्रेड करता है जब तक
तो अपना वैलिड सेटअप काउंट होगा, और उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो वैलिड सेटअप होगा, अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है। तो गाइज मैंने आपको 5 स्टॉक बता दिए जो स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे है और अच्छी रैली दिखा सकते हैं, लेवल के साथ भी बताए, और आपको ये जो भी है उसमें टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का रहेगा। तो अभी आपका पहला स्टॉक का नाम है वाडीलाल इंडिया लिमिटेड, तो वाडीलाल है। दूसरा स्टॉक है जैश इंजीनियरिंग, तीसरा स्टॉक है एनटीपीसी, चौथा स्टॉक है केएसबी और पांचवा स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। पांचों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंडीशनल बाइंग है। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं आने वाले वीक में तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज वो स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।